इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश से यूपी में अब तक 183 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे बारिश को लेकर भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि यूपी की बात की जाए तो लगभग 183 लोगों की मौत हो चुकी है बारिश के चलते। और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि अगले 24 घंटे बारिश को लेकर भारी पड़ सकते हैं दिल्ली एनसीआर। और इंद्रसेन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। इंद्रसेन, अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे, क्या भारी पड़ सकते हैं? निश्चित रूप से शिखर, जिस तरह से बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बरसात चालू हो गई है, बारिश की वजह से आज सोमवार का दिन था, सड़कों पर भारी जाम देखने को मिला क्योंकि ऑफिस और स्कूल जाने वाले जो बच्चे थे, सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है शिखा कि अगले 48 घंटे तक बरसात हो सकती है दिल्ली एनसीआर में। और जिस तरह से राजधानी दिल्ली पे पहले हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से हथनीकुंड बैराज ने जो पानी छोड़ा था वो दिल्ली पहुंचा था और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी। हालांकि अब यमुना का जो जलस्तर है वो कम हो चुका है, लेकिन अगर 48 घंटे दोबारा बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों में एक बार दोबारा बारिश शुरू हो गई है और दिल्ली एनसीआर में भी बीती रात से ही बारिश हो रही है, तो निश्चित रूप से अगर लगातार बारिश होती है तो फिर एक बार यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में एक बार फिर मुसीबत लोगों को झेलनी पड़ सकती है। शिखा जी, इंद्रसेन, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता जाम की स्थिति से निपटने के लिए भी, क्या अब भी वही स्थिति सामने आ सकती है? जिस तरह से मैंने बताया कि रात से ही बारिश हो रही है, क्योंकि सुबह अभी मैं अभी ऑफिस के लिए जब मैं घर से निकला था तो जो रास्ता मुझे तय करने में 20 मिनट 25 मिनट का टाइम लगता था, लेकिन बारिश की वजह से वही रास्ता मुझे तकरीबन एक घंटा लगा तय करने में। तो निश्चित रूप से आज सोमवार का दिन है, ऑफिस और स्कूली बच्चों को जाना था तो इस वजह से सड़कों पर भीड़ होती है क्योंकि पीक टाइम था, लेकिन अगर जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, अगर शाम को भी बारिश होती है पीक टाइम में, तो निश्चित रूप से दिल्ली एनसीआर का जो पहिया है वो थम सा जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस और जो शासन है उन लोगों ने इस तरह का अलर्ट जारी किया है कि बारिश में निपटने के लिए वो तैयार हैं, सभी रेड लाइट्स को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनको भी आदेश दे दिए गए हैं कि किसी तरह का जाम सड़कों पर ना लगने पाए, उसके लिए वो लोग तैयार हैं। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर दिल्ली एनसीआर पर मुसीबत तो मंडरा ही रही है। शिखा जी, बिल्कुल इंद्रसेन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें तो कुछ समय पहले जब बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर जलमग्न हो गया था, ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद नहीं थी, वहां पर नदारद थी, जो ट्रैफिक सिग्नल्स थे वो बारिश की वजह से खराब हो गए। उससे सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम करने की बात कह रही है। ये वक्त बताएगा कि कितने पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं बारिश से निपटने के लिए। अगले 24 घंटे भारी हो सकते हैं बारिश को लेकर दिल्ली एनसीआर।